मैं ईशा नेगी एक बार फिर से आ गई हूँ कमाल के लोगों की कमाल कहानियां लेकर कमाल जिंदगी में। बड़ी दुविधा थी, दोस्त को संभालते कि दोस्त की माँ के आंसू पोंछते। फिर हमने सोचा हटाओ यार मटर पनीर पे कॉन्सेंट्रेट करो। ये डायलॉग सुन के तो आप पहचान ही गए होंगे कि आज मैं किसकी बात करने जा रही हूँ। जी हाँ, मैं बात करने जा रही हूँ हम सबके फेवरेट आर माधवन की, जिन्होंने अपने फरहान और मैडी के रोल से सबको एक वक्त पर दीवाना कर दिया था। माधवन का जन्म 1 जून 1970 को जमशेदपुर में हुआ था। उनके पिता रंगनाथ टाटा स्टील में फॉर्मर मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव थे, जबकि उनकी माँ सरोज बैंक ऑफ इंडिया में एम्प्लॉय थी। उन्होंने DBMS इंग्लिश स्कूल से अपनी स्कूलिंग खत्म की और उसके बाद राजा राम कॉलेज कोल्हापुर से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग भी की। माधवन जब कॉलेज में थे तो उन्हें कॉलेज की तरफ से कल्चरल एम्बेसडर बनाया गया था। वो अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट करने कनाडा गए, जहां उन्होंने स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम से लगभग 1 साल अल्बर्टा में बिताया। 22 की उम्र में माधवन को NCC कैडेट के रूप में उनके एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस को देखते हुए इंग्लैंड जाने का भी मौका मिला। इंग्लैंड में रहते हुए उन्हें मौका मिला द रॉयल आर्मी, द नेवी और द एयरफोर्स के साथ ट्रेनिंग करने का, जिसकी वजह से माधवन ने एयरफोर्स ज्वाइन करने का भी सोचा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी कारण वो एयरफोर्स ज्वाइन नहीं कर पाए। इसके बाद उन्होंने बहुत से पब्लिक स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन किए और उन्हें 1992 में जापान में यंग बिजनेसमैन कॉन्फ्रेंस में इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मौका भी मिला। फिल्म इंडस्ट्री में अपना लक ट्राई करने में पब्लिक स्पीकिंग कोर्स ने उनकी बहुत हेल्प की। वैसे तो आज के टाइम में माधवन एक बिग मूवी स्टार है, मगर उन्होंने अपना एक्टिंग का करियर टेलीविजन इंडस्ट्री में ZTV के ड्रामा सीरीज यू लव स्टोरी से की, जिसमें उन्होंने एक क्रू का रोल निभाया था। टेलीविजन इंडस्ट्री में अपने डेब्यू के बाद उन्होंने बहुत से शोज में काम किया, जैसे कि बनेगी आपकी बात और घर जमाई। उन्होंने सी हॉक शो में एक शिप कप्तान का रोल भी निभाया था। उसके बाद माधवन ने बहुत से शोज में होस्टिंग भी की, जैसे कि या तोल मोल के बोल और डील या नो डील। टेलीविजन की दुनिया में अपने डेब्यू के बाद माधवन को ऑफर हुई उनकी पहली फिल्म इन्फर्नो, जो कि एक इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म थी, जिसमें उन्होंने एक इंडियन पुलिस ऑफिसर का रोल निभाया था। उसके बाद उन्होंने अपनी फर्स्ट इंडियन फिल्म, जो कि 1998 में आई थी और एक कॉमेडी फिल्म थी जिसका नाम था शांति शांति शांति, जो ऑडियंस को इम्प्रेस करने में फेल रही। लगातार 2 फ्लॉप मूवीज के बाद भी माधवन को मणि रत्नम की मूवी अली पायुथे का ऑफर आया, जिसमें उन्होंने एक्ट्रेस शालिनी अजीत के अपोजिट कास्ट किया गया था। फिल्म में दोनों ने एक यंग कपल का रोल निभाया, जिन्हें अपनी शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम से लड़ना पड़ता है। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में सक्सेसफुल रही, जिससे बाद में हिंदी में भी बनाया गया, जिसका नाम था साथिया, जिसमें रानी मुखर्जी और विवेक ओबरॉय को फीचर किया गया, जो कि इक्वली सक्सेसफुल रही। इसके बाद उन्होंने वो फिल्म की जिसे आज भी लोग उन्हें पहचानते हैं, वो है गौतम मेनन की फिल्म रहना है तेरे दिल में, जिसमें उन्होंने मैडी का रोल निभाया। फिल्म में सैफ अली खान और दिया मिर्जा भी लीड में थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो अपना जादू नहीं चला पाई, लेकिन फिल्म ने ऑडियंस पर अपना जादू जरूर चलाया और माधवन को इस फिल्म में उनके रोल मैडी के लिए बहुत प्यार दिया गया। लोग आज भी माधवन को मैडी के नाम से ही पहचानते हैं। इसके बाद माधवन ने बहुत सी फिल्मों में काम किया, जैसे कि दिल विल प्यार प्यार, 3 इडियट्स, तनु वेड्स मनु और जीरो जैसी कई बड़ी मूवीज में काम किया है। माधवन एक एक्टर होने के साथ साथ एक प्रोड्यूसर भी है। माधवन और उनकी वाइफ सरिता साथ में एक प्रोडक्शन हाउस भी चलाते हैं, जिसका नाम है लूकोस फिल्म्स, और इस प्रोडक्शन हाउस ने एक फिल्म प्रोड्यूस भी की थी जिसका नाम था इरुधी सूत्रु, जो कि एक तमिल लैंग्वेज फिल्म थी, जिसे हिंदी में भी प्रोड्यूस किया गया था और उसका नाम था साला खड़ूस। और अब माधवन एक नई फिल्म में भी नजर आ चुके हैं, जिसका नाम है शैतान। अब देखना ये होगा कि ये फिल्म भी लोगों पर माधवन की एक्टिंग का जादू चला पाती है या नहीं। ऐसी ही प्रेरणादायक कमाल वीडियोस के लिए देखते रहे कमाल जिंदगी। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।